आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। जेवर में बन रहा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यमुना प्राधिकरण में एक अहम बैठक हुई। डीजीसीए की अध्यक्षता में एयरपोर्ट से जुड़े सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कमर्शियल उड़ानों के परीक्षण की तारीख 30 नवंबर तय हो गई है। 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है इससे पहले ही यह यहां से उड़ने शुरू हो जाएंगे और एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा। सर, डीजीसीए की बैठक की गई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ़्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और डीजीसीए के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की, तो उसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स जो कि टाइमलाइन फिक्स करनी थी, माइलस्टोन फिक्स करने थे, वो किए गए। उन माइलस्टोन्स के हिसाब से अब हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें माइलस्टोन तय किए हैं। जैसे अभी कैट वन और कैट थ्री दोनों इंस्टॉल कर दिया गया है, डीजीसीए ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और जो बाकी कैलिब्रेशन है, आईएलएस का कैलिब्रेशन है, वो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक डीजीसीए के लोग करेंगे। उसके बाद दोनों रनवेज की रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक दी जाएगी। उसके बाद कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद जो फ्लाइट प्रोसीजर्स है और डीजीसीए को सबमिशन होगा 15 नवंबर को होगा। फ्लाइट ट्रायल जो है बाय डीजीसीए 25/11 को होगा और कमर्शियल फ्लाइट का फ्लाइट ट्रायल जो है 30 नवंबर को होगा। इस फ्लाइट ट्रायल में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने जहाज इंडिगो और आकाशा पार्टिसिपेट करेंगे और कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल जो है 30 नवंबर को होना तय हुआ है। हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 1 ही दिन में ये तीनों हो जाए। इसके अलावा आईएलएस प्रोसीजर्स के लिए और एरोड्रोम लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई दिसंबर में कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 90 दिन में डीजीसीए से लाइसेंस मिलता है, तो उम्मीद करते हैं कि मार्च में लाइसेंस मिल जाएगा या उससे पहले मिल सकता है। जो एक पब्लिकेशन AIP पब्लिकेशन होता है जो आईटा के वेबसाइट पे करना पड़ता है और पूरी दुनिया को बताना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में आ रहा है, इसके कोड ये हैं, इसकी बुकिंग ये है, ये सब हमारा जो है वो 6 फरवरी को पब्लिश हो जाएगा। और इसके पब्लिश होने के बाद टिकट बुकिंग भी शुरू हो जाएगी, हो सकता है टिकट बुकिंग इससे पहले भी शुरू हो जाए। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा, और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ़्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए जो मीटिंग होती है आईटा की, वो मीटिंग हो चुकी है, उसमें हम अप्लाई कर दिया है एयरलाइंस ने, क्योंकि बायलैटरल लाइसेंसिंग का उसमें मुद्दा है, तो अप्रूवल आ जाएगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कौन सी एयरलाइन है, कौन सा रूट है। जो डोमेस्टिक एलोकेशन होता है वो डीजीसी के यहाँ मीटिंग होती है, मिड अक्टूबर में होगी, उस दिन स्लॉट तय हो जाएगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस को कहाँ कहाँ के लिए जाएंगी। तो ये सारी प्रक्रिया फिक्स हो गई है और 30 नवंबर को कमर्शियल फ़्लाइट का ट्रायल यहाँ पर हो जाएगा। कम से कम 3-4 फ्लाइट यहाँ पर ट्रायल हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने में नॉर्मल फ़्लाइट्स हो जाएगी या उससे पहले भी कोशिश करेंगे नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाए। सब कुछ ऑन टाइम अब है, अब इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम लाइन जो 17 अप्रैल लास्ट है, अगर इसको हम डिवेट करेंगे तो फिर 6 महीना और लग जाएगा जो है अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल्स मिलने में और आईटा से टाइम मिलने में। इसलिए 17 अप्रैल से आगे ये नहीं जाएगा, उसके पहले ही सारा काम हो जाएगा।